डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। यार बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे कुछ अलग किया जाए, यू नो सेम तरह का काम तो कर ही रहा हूँ, होस्टिंग हो रही है, कॉमेडी फिल्म्स भी कर रहा हूँ, बट सोच रहे थे कि क्या एक नया एंगल निकाले लाइफ में, जहाँ पे वो कि हाँ यार ओह ये क्या था, एक शॉक वैल्यू। और तभी ये स्क्रिप्ट जो है हमारे पास आई एंड हमने कहा यार ये करना चाहेंगे। सो ऑब्वियसली डिफरेंट था, मैं ग्रे कैरेक्टर में, नो डायलॉग्स, ग्रंजी लुक, गंदे कपड़े, यू नो, सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मनीष पॉल से अलग है। सो तभी हमने कहा यार ये करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड था ये करने के लिए। यार था बड़ा मुश्किल, बिकॉज मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मुझसे अगर कोई पूछे लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या है तो मैं कहूँगा चुप रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। और ये फिल्म जब आई थी उन्होंने कहा यार डायलॉग्स नहीं होंगे, मैंने कहा डायलॉग्स नहीं होंगे मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे करूँगा। सो बट हाँ ऑब्वियसली तैयारी करनी पड़ी, थोड़े दिन बिल्कुल शांत रहना। शूटिंग पे मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करी, मतलब डायरेक्टर से सिर्फ बात करता, हाँ क्या होगा सर, ये होगा, ये होगा, ओके कट, अपना काम किया, चुप करके साइड में बैठ गया। एंड मैंने उनको पहले ही बोला था, मैंने कहा कोई वैनिटी वैन नहीं चाहिए मुझे, कोई लैविश ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे कि फ्रूट्स आ रहे हैं और ये हो रहा है, और मैंने कहा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक खाना आ रहा है वो खाऊंगा। और जहाँ मार्केट्स में शूट करते हुए किसी की दुकान के बाहर बैठ जाता था, तो उस तरह था कि एक फील रहनी बड़ी ज़रूरी थी, वरना फिर मनीष पॉल जाग जाता है, जो मुझे था बिल्कुल इस फिल्म के लिए बिल्कुल शांत हो जाए मनीष पॉल, तो वो हुआ एंड बहुत मजा आया काम करके। क्योंकि मैंने सुना है कि एक एज एन एक्टर या एक एक्टर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर का मोड होता है, बिल्कुल, तो क्या ये वो रीजन था कि आप डिफरेंट कैरेक्टर आपने लोगों के सामने आप लाने वाले? बिल्कुल यार, क्योंकि एक एक्टर जो होता है ना वो अच्छी खुराक ढूंढ रहा होता है, तो ये एक अच्छी खुराक मिली मुझे एक क्रिएटिविटी के लिए, एक अंदर के एक्टर को खुश करने के लिए, क्योंकि होस्टिंग में ऑलरेडी बहुत करता हूँ, मैं बाकी कॉमेडी फिल्म्स भी कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा चाह रहा था मैं कि एक अपने आप को होता है ना कि यार कुछ अलग करेगा, तो लिटरली अपने आप से आप सवाल पूछते हो तो होता है हाँ यार कुछ अलग करते हैं। सो दैट वाज द आइडिया, तो मैंने कहा आई वांट टू डू दिस, सो दैट्स व्हाई। स्क्रीनिंग के मौके पर मैंने देखा ढेरों सारे लोग आए, इशिका चोपड़ा, हाँ जी जी, क्या फीडबैक था वहाँ से? यार बहुत अच्छा, रमेश तोरानी सर आए, अनु मलिक साहब थे, टिस्का थी, सबने एक ही बात कही, यूलिया थी, सबने एक ही बात कही, हमने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा पहले, यू नो, वो एक्चुअल हो रहा था ओह वाओ ये क्या है, सो यू नो दैट काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, बिकॉज वही मुझे चाहिए था। कहते हैं पहले शॉट में ना तू डरावना लग रहा था, ऐसे लग रहा था अब ये कुछ करने वाला है, तो मैंने कहा हाँ बस दैट वॉज द आइडिया, यू नो इस कैरेक्टर से आप अटैच नहीं हो पाते, आप कहते हैं ये करने क्या वाला है, यू नो आपके दिमाग में पूरी फिल्म में क्वेश्चन रहता है ये करने क्या वाला है। सो वो वही आइडिया था, अगर वो कन्वे हो जाए तो यार अपना काम हो गया, बस ये स्टार्टिंग से ही था मुझे, मैं आई वॉज वेरी क्लियर मुझे हीरो ही बनना है, मैं घर में हमेशा, मैं बचपन से ही यही रहता कि ये घर का हीरो है भाई, ये हीरो की तरह रहता है, तो कपड़े भी वैसे पहनने, गाने गाने, टशन मारना, वो मेरा स्टार्टिंग से ही था, सो आई वॉज वेरी क्लियर, तो कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा मुझे, मतलब फ्लो में था, पढ़ाई कर रहा हूँ करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी करना मुझे यही है, सो वो बचपन से क्लियर था यार। बहुत सपोर्ट रहा, बिकॉज घर वालों का सपोर्ट ना हो तो आप पहुंच नहीं सकते यहाँ तक, बिल्कुल उन्होंने कहा हाँ मुंबई जाना जाओ, एंड बहुत बहुत उनका सपोर्ट रहा है, उन्हीं के सपोर्ट के कारण यहाँ तक आया। आपके भैया से मैंने बात की, उनका कहना है कि हम इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में लाने वाले हैं मनीष को स्क्रीन पे, बिल्कुल, जो आप पाजी का जो किरदार कर रहे हैं, बिल्कुल यार, ये एक्चुअली विवेक पॉल जो मेरे बड़े भाई हैं, ही इज द को प्रोड्यूसर विद मी, उनको बहुत कीड़े हैं ये, मैं उसको बोलता हूँ यार तेरे बहुत कीड़े हैं, बड़ा भाई है, तो वो कहे अच्छा अब ना तू ये कर, अच्छा अब ना ये करते हैं, तो वो बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स निकाल निकाल के ला रहा है, तो उसका यही काम है, वो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स सुनता है, उनमें और क्रिएटिविटी हम लोग मिलकर डालते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सो आई थिंक एक बहुत अच्छी टीम है हमारी, मैं हूँ, मेरा भाई है, हमारी ये जो सारी टीम जिन्होंने ब्लैक ब्रीफकेस बनाई है, अभी हम और फिल्में भी कर रहे हैं एक साथ, तो वो एक अच्छा है। तो एक और किरदार जो अगली फिल्म में मैं सरदार का किरदार निभा रहा हूँ, और अगेन बहुत सीरियस इंटेंस सरदार है वो, और उसकी लाइफ में कुछ बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और किस तरह उसको वो सीधा करता है, यू नो, सो दैट्स अगेन बहुत बहुत अच्छा मैसेज है उसका, मतलब वो फिल्म का मैसेज मैं जब भी सोचता हूँ और सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार बहुत अच्छा लगा,
तो इस तरह का काम करें यार, जो एक मैसेज भी दे, खुद भी क्रिएटिव जो फायर होती है वो भी सेटिस्फाई हो, यू नो, सो ऑल दोस थिंग्स वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ। कॉमेडी फिल्म भी कर रहे हैं अगर आप हाँ बता सकते बिल्कुल, हैं। कुछ कॉमेडी फिल्म्स भी आ रही हैं, इंडियन आइडल पे बहुत कॉमेडी ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ, लोग देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं, सो आई थिंक इन अ हैप्पी स्पेस यार। एंड आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे पता है कि सलमान खान आपके काफी करीबी जी दोस्त हैं, आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री के सभी लोगों को ये आप बैक देख के दिखाएं, लेकिन उनसे कुछ बगैर बातें हुई आप, उन्होंने क्या देख ली? क्योंकि आपने बताया था कि मैं उनको हाँ, लिंक नहीं भेज मैंने दूंगा, आप भाईजान को शेयर भेजा यार, करना। भाईजान इज़ वेरी टाइड अप माल्टा हाँ में, सो वो वो मुझे वही माल्टा बात चलती है कि भाईजान तक पहुंच गया लिंक, बट वो भी शांति से बैठ के देखना चाहेंगे, सो उनका अभी बहुत टाइड अप चल रहा है, एंड जस्ट वेटिंग कि कब वो देख के मुझे फटाफट कॉल करें, तो रोज़ मैं फ़ोन देखता हूँ, अरे भाई का फ़ोन नहीं आया, भाई का फ़ोन नहीं आया, सो जिस दिन देखेंगे आई एम श्योर मुझे कॉल करेंगे। विश किए जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हाँ वो तो आपके काफी करीबी नहीं नहीं वो डेफिनेटली हर यार, जगह वो नाम लेते हैं कि भाई मुझे अगर होस्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कुमार, हाँ ये क्योंकि बात है हाउस आपके उनके आपके शो में, उनके शो में भी हमने देखा आप गए हुए थे जी। दबंगपुर। आने वाले दिनों में और हम किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में देखेंगे हम आपको? यार एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, एक मैंने आपको बताया सरदार का किरदार है, सरदार एक और कैरेक्टर है वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, टू अर्ली है, बट वो मतलब पागल कैरेक्टर बनाया हमने, वो मतलब आप देखोगे, मतलब मैं वो वन ऑफ द फेवरेट टेस्ट कैरेक्टर्स होने वाला है मेरा जब वो बड़े पर्दे पे आएगा, सो हम उसकी प्लानिंग हमारी है कि वो बड़े पर्दे पे लाना, तो इसी तरह की बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मनीष पॉल जो है उसको जब हम बड़े पर्दे पे लाएं या किसी फिल्म में लाएं तो मनीष पॉल ना लगे, तो इस तरह की भी चीज़ें बना रहे हैं और फिल्म ऐसी बना रहे हैं जो क्रिएटिवली लोग देख के गए हाँ यार कुछ अलग था, यू नो, सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। वो भी आपके भाई प्रोड्यूस जी कर रहे हाँ, हैं? वो भी वाह, इकट्ठे सारा का प्रोड्यूस कर समझ रहे हैं, में आ रहा हाँ, है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ ले जी जी आता जी चलिए जाते आते हैं, क्योंकि आई थिंक कल ही ऑन एयर होने वाला है, जी कल ऑन एयर होने वाला, जी हाँ तो कल। अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे ब्लैक ब्रीफकेस के जरिए? यार जितने भी फैंस हैं उनको तो पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, अब तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैंने जो भी काम किया उसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, यहाँ पे भी साथ की बहुत ज़रूरत है, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म आ रही है ब्लैक ब्रीफकेस, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा प्लीज़ ऑनलाइन जाएँ ये फिल्म देखें, एंड जितने लोगों तक हो ये फिल्म पहुँचाएँ, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसमें एक बहुत प्यारा सा मैसेज है वो सब तक पहुँचना चाहिए।